प्रकाश ग्रुप के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे प्रोसेस एंड प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में। जब हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तब कंप्यूटर उस दिए हुए इनपुट पर कार्य करता है, प्रोसेस कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें, कंप्यूटर पर इनपुट के बाद आउटपुट के पहले इंटरमीडिएट स्टेज प्रोसेस कहलाती है। जैसे हम कीबोर्ड से कोई भी बटन दबाते हैं तो वो इनपुट होता है, और जैसे ही हम कीबोर्ड से कोई बटन दबाते हैं वो तुरंत हमारे सिस्टम यूनिट में ट्रांसफ़र होता है, यानी उसे हम प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं और वो प्रोसेस कहलाता है। और देन जब हमारा सिस्टम यूनिट उस पर काम कर लेता है देन हमें वो रिजल्ट हमारी स्क्रीन पर दिख जाती है, यानी मॉनिटर पर दिख जाती है, वो आउटपुट कहलाती है। तो प्रोसेस का मतलब वो इंटरमीडिएट स्टेज। कंप्यूटर का सभी प्रोसेस सीपीयू में होता है, अतः सीपीयू प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। आइए अब हम सीपीयू के बारे में जानते हैं। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसे प्रोसेसर, माइक्रोप्रोसेसर और सीपीयू भी कहा जाता है। सीपीयू कंप्यूटर से जुड़े सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से प्राप्त निर्देशों को संभालता है और इनपुट डिवाइसेज से प्राप्त निर्देशों और डेटा को प्राप्त करता है और उसे प्रोसेस करता है। आम तौर पर कुछ लोग जानकारी के अभाव में सीपीयू को ही कंप्यूटर समझने लगते हैं, मगर गलत है। सीपीयू तो कंप्यूटर का एक छोटा सा मगर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जो मदरबोर्ड में लगा रहता है। मदरबोर्ड के बारे में आगे जानेंगे। सीपीयू अपना कार्य तीन सहायक उपकरणों की सहायता से पूरा करता है, जिन्हें सीपीयू का भाग कहा जाता है। पहला मेमोरी, दूसरा कंट्रोल यूनिट जिसे सीयू भी कहते हैं, तीसरा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जिसे एएलयू भी कहते हैं। आइए अब हम मेमोरी के बारे में जानते हैं। मेमोरी को डेटा स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। सीपीयू प्राप्त निर्देशों और डेटा को पहले मेमोरी में स्टोर करता है, उसके बाद प्रोसेस करता है। प्रोसेस के बाद भी प्रोसेस्ड डेटा को मेमोरी में ही स्टोर करता है। यूजर कभी भी डेटा का यूज कर सकता है। आइए अब हम जानते हैं कंट्रोल यूनिट के बारे में, जो सीपीयू का दूसरा भाग है। कंट्रोल यूनिट यानी सीयू कंप्यूटर का मैनेजर होता है, जो सभी ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। आइए हम अब जानते हैं एएलयू के बारे में, जो हमारे सीपीयू का तीसरा भाग है, जिसे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट भी कहते हैं। एएलयू गणितीय क्रियाएं जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग आदि करता है और निर्णय देने के लिए डेटा का मिलान, तुलना करना, छांटना आदि कार्य करता है। आपने सीपीयू के तीनों भाग के बारे में जान लिया। आइए अब हम सीपीयू से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। पहला, माइक्रोप्रोसेसर यानी सीपीयू इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया, जिसका नाम था इंटेल 4004। इंटेल का पहला माइक्रोप्रोसेसर सन 1971 में बनाया गया। इसमें मिलकर इस माइक्रोप्रोसेसर को बनाया, जिनमें मुख्य भूमिका टेड हॉफ का था। आज के लिए इतना ही।
आप सभी को यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका कमेंट हमें और भी वीडियो बनाने में मनोबल प्रदान करेगा। आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।